हेलो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यह आपके लिए मैं मिसिंग नंबर सीरीज लेकर आया हूँ, जो SBI क्लर्क के फर्स्ट शिफ्ट में 29 फरवरी 2020 को आई हुई थी। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज, मेरा भी 29 फरवरी का एग्जाम था। ये मिसिंग नंबर सीरीज को सॉल्व करता हूँ, क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजी लगी है सॉल्व करने में। ये आराम से, ये नंबर सीरीज जो थी ईजी थी, ये 2.5 मिनट में नंबर सीरीज मेरी आराम से सॉल्व हो गई थी। 2 से 2.5 मिनट में आराम से सॉल्व हो गई थी इन नंबर सीरीज। तो आइए इन नंबर सीरीज को देखते हैं। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, तो ये जो नंबर सीरीज है 6, 4, 5, 8.5, ये एक ही ग्लांस, मतलब एक ही झलक में ये नंबर सीरीज सॉल्व हो रही थी, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। ये जो नंबर सीरीज थी, इसमें आपका नंबर सीरीज में जो था 0.05 से मल्टीप्लाई हो रही थी और इसमें 1 ऐड हो रहा था। ऐसी इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रही थी और इसमें 1 ऐड हो रहा था। और इसमें अगर मैं बात करूं इस वाली में, तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है, इसमें 1 ऐड हो रहा था। तो अगर देखा जाए तो 0.5 से जो इंक्रीज हुआ है, 0.5 से 0.5 ऐड करेंगे तो 1 हुआ है, फिर इसमें 0.5 ऐड हो रहा है, 1.5 हुआ। तो ऐसी 1.5 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और इसमें 1 ऐड हो रहा था तो हमारे पास 18 हमारा आंसर आ रहा था। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कैसे होगा, तो 2.2 में 0.5 ऐड करेंगे तो 2.5 होगा और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा था 18 आ रहा था। अब मैं सेकंड वाली नंबर सीरीज को सॉल्व करता हूँ। जो सेकंड वाली नंबर सीरीज थी 16, 24, 88, 304 और 816, ये नंबर सीरीज में अगर मैं बात करूँ तो मैंने नंबर सीरीज में ज़्यादा कुछ करा नहीं था, इसमें मैंने एक बार डिफरेंस देख लिया था, मुझे पता चल गया था, इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंने इसका डिफरेंस देख लिया था, इसका जो डिफरेंस था सिंपल, इसका डिफरेंस था 512, इसका डिफरेंस जो था मैंने डिफरेंस देख लिया था। अगर आप डिफरेंस करना चाहो इसका, तो ये आराम से 216 डिफरेंस हो रहा था। और अगर आप इसका डिफरेंस करना जाओ तो ये आराम से आपको डिफरेंस नजर आ रहा था, किसका, 64 का, और इन दोनों का डिफरेंस तो 8 है, ये 2 का क्यूब होता है तो ये 4 का है, ये 6 का है, ये कितने का क्यूब है, प्लस ये कितने का, 8 का क्यूब है। तो ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो 8 से अपना 10 होना चाहिए। तो जब 10 यहाँ पर आपका कितना आएगा, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, तो 812 में 1000 ऐड करोगे तो 1860 ये आपका आंसर था, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं था, मैंने इसको यहां से देखा, ठीक है, फिर ये देखा, तो ये 8 दुनी कितना, 8 दुनी 16, ठीक है, 8 चौक 32। अगर मैंने इसकी बात करूं, 5, 5, 16, 49 और 148 था, तो मैंने 16 दुनी 32, ठीक है, 16 3 48 ज्यादा हो रहा था, तो मैंने यहां से इसमें आराम से यहां पर 5 3 15, ठीक है, 16 3 48, ओके। फिर आराम से ये नंबर सीरीज, आराम से अगर मैंने इसकी में जब मल्टीप्लाई करके देखी, 27 और 12 और 14 हो रहा था, 147 बैठ रहा था। मैंने फिर आराम से इस नंबर सीरीज को सोल्व किया, यहाँ पर ऐड 1 ऐड कर, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो इस नंबर सीरीज फिर आराम से समझ में आ गई। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होनी थी और 1 ऐड होना था। अजावत, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल से कर लो, अगर मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके बताऊँ इसका, तो ये हो गया 15, 3 चौक 12 हो रहा था, 13 हो गया, ठीक है, 12 फिर 13 हो गया, तो आराम से ये 1335 आया था, उसमें 1 ऐड करना था, तो ये कितना आ गया था, आराम से इसका ये आंसर हुआ था। ज़्यादा कुछ नहीं, नंबर सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा था,
सिंपल सिंपल ये सॉल्व हो रही थी नंबर सीरीज। अगर मैं इसकी नंबर सीरीज मानू, नंबर सीरीज देखू फोर्थ नंबर की, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस लिया जा रहा था, बाकी कुछ नहीं था। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो आराम से इसका डिफरेंस जो था आपका 39 था। अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस जो था आपका, अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस आपका 24 था, और मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस 14 था, और मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस आपका 9 था। तो इसमें डबल डिफरेंसिएशन हो रहा था, मैंने तो डबल डिफरेंसिएशन करा, तो जब इसमें मैंने दिया ये 5 था, ये 10 हो रहा था, ये आपका इसमें जो डिफरेंस हो रहा था 5 हो रहा था, इसका जो डिफरेंस था वो 10 था, इसका जो डिफरेंस था आपका 15 था, तो 5 10 15 तो यहाँ पे 20 आता, इन दोनों का डिफरेंस 20 आता, यहाँ पर ये 20 आता, तो इस 20 को 39 में ऐड कर इसमें ऐड करना था, तो ये कितना ऐड हो जाता आपका, ठीक है ये 15 था, ठीक है, तो इस 20 को 15 में ऐड कर इसमें ऐड करना था, ठीक है, और इसमें ऐड करना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। देखिए ये 5 दुनी 10, 5 या 15, 5 दुनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, तो 39 को 20 में ऐड करना था, ठीक है, और इसमें 15 को ऐड करना था और 99 को ऐड करना था, तो ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 23 का 3, हासिल लगा 2, 5, 6, 7 और 1, 8, 17, 173 था, ठीक है, सॉरी ये था इसमें अच्छा ये आपका, हाँ ये 39 था, तो जो इसका जो डिफरेंस था वो 15 था, तो यहाँ पे 20 होता, तो हाँ ये 20 था, फिर इसमें इसको ऐड करना था कितना जा 15, और ये कितना हो जाता 39, और ये कितना हो जाता आपका 15 में ये ऐड कर 35, सॉरी ये 35 था, तो ये आराम से 74 हो जाता, 74 में 74 इसमें ऐड करना था, तो ये आपका आ जाता आंसर 173। ये आपको समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, जो नंबर सीरीज ये आराम से दो से ढाई मिनट में हो जा रही थी, ये नंबर सीरीज में इसलिए समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है। जो लास्ट वाली नंबर सीरीज थी, लास्ट वाली नंबर सीरीज में आपका क्या था, देखिए लास्ट वाली नंबर सीरीज में कुछ नहीं करना था, लास्ट वाली जो नंबर सीरीज थी आपकी, तो इसमें देख लो 2 से, यानी यहाँ पर पकड़ा इसको, यहाँ पर आप 2 से करोगे तो आपको 5 ऐड करना पड़ रहा है, देखिए फिर यहाँ पे 2 से करोगे 5 ऐड करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे आपका 2 से करा तो 5 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है, फिर आप यहाँ पर 2 से करो और 5 ऐड कर दो, बात है आप 2 14, ठीक है, और ये कितना हो गया 134, 5 ऐड करोगे ये आ जाएगा आपका 139। क्रॉस चेक करना चाहो तो आपको 2 से आगे ये इसका जो आंसर आया 139, और आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करो 5 ऐड करो आराम से ये आएगा, करके दिखाता हूँ, 139 आया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करी 8, 6 और 1 7 और 2, इसमें मैंने 5 ऐड करा तो मेरा आंसर 28, ये मैंने क्रॉस चेक आपको करके बता दिया, दिस इज। तो ये आपकी नंबर सीरीज थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लग गया, ये नंबर सीरीज, यही नंबर सीरीज जो SBI क्लर्क का 29 फरवरी को 2020 में फर्स्ट सेट में जो एग्जाम हुआ था, तो ये पांचों नंबर सीरीज आई थी, हमें एक्सपीरियंस जो एग्जाम देते रहते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैंने ये सारी रिकॉल करके ये नंबर सीरीज आपको मैंने प्रोवाइड की है, जिनका भी 8 मार्च को एग्जाम है वो इन नंबर सीरीज को देखे पैटर्न कैसा आ रहा है मिसिंग नंबर सीरीज में, और कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और कैसे नंबर सीरीज चाहिए, तो मैं आपको नंबर सीरीज प्रोवाइड करवा दूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आई थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, क्वाड्रेटिक क्वांट के 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो आपके जो अर्थमेटिक जो आते हैं ना, पाइपलाइन सिस्टम वाले, ये वर्क एंड टाइम वाले जो आते हैं, 10 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे, DI पूछा गया था, सिंपल DI था, उस पर CP दे रखा था, उस पर वेज पर उसका DI था, ठीक है, 10 सिंप्लीफिकेशन से सिंपल थे, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ा सी मॉडरेट लेवल की थी, उसमें टाइम टेकिंग थी, उसमें मेरा 3.5 से 4 मिनट लग गया था उसमें, तो हाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, थैंक यू।